हेडलैम्प्स की तो आप देख सकते हैं, बेस मॉडल से ही आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपको नीचे भी इसमें इंजन कवरिंग मिलती है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, मिडल में एक MID मिलती है। बेस मॉडल से ही आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार इन द इंडियन रोज, आपने देखी होगी, ये है बलिनो, न्यू जेन बलिनो फेसलिफ्ट मॉडल। बात करें कलर की तो ये है ग्लेंडर ग्रे कलर, एंड दिस इज द 2022 बलिनो सिग्मा मॉडल। सो सिग्मा इज द बेस मॉडल इन नेक्सास कार। सो बेसिकली इस कार में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि अदर मॉडल्स बेस कार में आपको नहीं मिलते। सो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, साथ ही साथ मैं इसको रिव्यू दूंगा आपको। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बूट में, आपको 348 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आप देख सकते हैं सिग्मा मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती है, आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे है। बाकी 348 लीटर्स का कुछ ऐसा बूट स्पेस मिलता है आपको। यहाँ पे स्पेयर व्हील एक्सेस करने को मिलता है। आप देख सकते हैं 185/65R15 का ही व्हील मिलता है, जो कि सारे व्हील्स का साइज है इसमें। एंड आपको स्टील रिम मिलता है इस मॉडल में, सिल्वर कलर का। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। सो गाइस बात करें इसके इंजन बे की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर VVT इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 88 BHP की एंड 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बाकी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन है। आप देख सकते हैं आपको नीचे भी इसमें इंजन कवरिंग मिलती है, सो दैट आपका चैम्बर वेम्बर कुछ इफेक्ट ना हो। सो ओवरऑल इंजन ऐसा दिखता है। बाकी इसमें आपको एक स्टिक मिलती है, कोई हाइड्रोलिक स्टड नहीं मिलता। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा इंसुलेशन मिलते हैं आपको इंजन हुड पे। सो ओवरऑल ऐसा है इसका इंजन बे। सो गाइज ये है बलिनो का सिग्मा मॉडल। एंड फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको सामने ग्रिल मिल जाती है, जो कि मैट ब्लैक कलर की है। इसमें कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं मिलती। इसके ऊपर वाले मॉडल से, डेल्टा मॉडल से नीचे आपको एक क्रोम की पट्टी सी दिखेगी इस पर। बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो आप देख सकते हैं, बेस मॉडल से ही आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। फोग लैम्प्स आपको नहीं मिलते इसमें, नीचे का आपको क्रोम नहीं मिलता, ये आफ्टर मार्केट थिंग है। सो ओवरऑल ऐसा मिलता है आपको। एंड एंड टू एंड आपको हुड मिलता है इसमें। सो गाइस बात करें राइट एंड साइड प्रोफाइल की, तो आपको इसमें 185/65R15 का टायर मिलता है, स्टील रिम्स मिलते हैं, ये व्हील कवर एक्सटर्नल एक्सेसरी है, आफ्टर मार्केट एक्सेसरी। बाकी आपको फेंडर्स पे इंडिकेटर मिलते हैं, RVM पे इंडिकेटर्स नहीं मिलते। मैट ब्लैक कलर के इंडिकेट ORVM मिलते हैं। बाकी ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको बॉडी कलर का मिलता है। ये जो हैंडल पे आप क्रोमिंग देख रहे हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है, राइट। एंड सारा क्रोमिंग का पार्ट आफ्टर मार्केट होता है। कमिंग टू द रेयर व्यू, सो आप देख सकते हैं LED लाइट का आपको सेटअप मिलता है इधर, नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, ये भी आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं। चार आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है, बलिनो की बैजिंग मिलती है। यहाँ पीछे रेयर डिफॉगर मिलता है, ऊपर स्पॉयलर मिलता है विद हाई माउंट टेल लैम्प, एंड एक आपको वो मिलता है एंटीना। सो इतनी चीज़ें इसमें सिग्मा मॉडल में आती है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है इसमें। एंड ओवरऑल ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, बॉडी कलर। सो गाइस बात करूँ की तो आपको इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड ही मिलती है सिग्मा मॉडल में। एंड कीज की कुछ ऐसे मिलती है आपको, इसी में आपको एक लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलता है। सो गाइस बात करें इंटीरियर की तो आपको बेस मॉडल सिग्मा मॉडल से ही चारों पावर विंडो मिलनी स्टार्ट हो जाती है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा कुशनिंग का होता है, ब्लू, नेवी ब्लू एंड ब्लैक में इसकी थीम डिजाइन कर रखी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिलता है, हेडलाइट लेवलिंग मिलता है। गाइस इस मॉडल में नहीं है ट्रैक्शन कंट्रोल ESC का, बट अब जो 2023 के मॉडल आ रहे हैं आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे, ऐसा आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलेगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो अब सारी गाड़ियों में फ्रॉम बेस मॉडल इटसेल्फ मारुति की सारी गाड़ियों में आता है। एंड यहाँ देख सकते हैं आप फ्यूल लिड ओपनर एंड बूट ओपनर आपको यहीं से मिलता है।
एंड यहाँ पे भी नेवी ब्लू का थोड़ा काम, थोड़ी सी क्रोमिंग मिलती है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, मिडल में एक MID मिलती है जो कि आप देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं एवरेज रेंज किलोमीटर्स। ऊपर आपको एम्बियंट टेम्परेचर दिखाता है, टाइमिंग, एंड राइट हैंड साइड पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है जो 220 तक की रीडिंग दिखाता है आपको। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें अपने बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग नहीं मिलता, आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं मिलते आपको, बाकी बेस मॉडल से ही आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का सेंसर होता है, आप देख सकते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में आपको गियर नॉब मिलता है, मैट ब्लैक फिनिश में आपको पार्किंग ब्रेक मिलती है, एंड 12 वॉल्स का सॉकेट मिलता है। एक ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको ऐसा मिलता है, इसमें ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता, इसमें डे लाइट वाला मिरर मिलता है, आप देख सकते हैं ऐसा। बाकी यहाँ भी आपको हाई माउंट रीडिंग लैंप नहीं मिलता, इसके ऊपर डेल्टा मॉडल से वो मिलना स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पे सनशेड्स पे कोई वो नहीं मिलती आपको, वैनिटी मिरर, इसमें दो एयरबैग्स मिलते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो अब आइए हम आपको पीछे से दिखाते हैं उसका व्यू कैसा है। सो गाइस बात करते हैं रियर कैबिन की। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ एसी वेंट का वो मिलता है स्पेस, बट यहाँ एसी वेंट नहीं मिलता है, ये अल्फा एंड जीटा मॉडल से आपको एसी वेंट मिलना स्टार्ट होता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यही सिग्मा मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाता है इसमें। बाकी आपको एक हाई माउंट रीडिंग लैम्प मिलता है मिडिल में सिग्मा मॉडल में, ये नॉर्मल बल्ब आता है। बाकी कमिंग टू द सीट, आप देख सकते हैं आपको 3-पॉइंट सीट लेदर बेल्ट मिलती है इसमें, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, वन फॉर द लेफ्ट पैसेंजर, वन फॉर द राइट, एंड मिडिल वाले के लिए कुछ नहीं मिलता, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है कैबिन। बाकी बात करें लेग रूम की तो लेग रूम प्रॉपर है, ये मैट्स इसके आफ्टर मार्केट है, मैट्स नहीं आते इसमें, नॉर्मल मैट्स आते हैं। एंड आप देख सकते हैं हेड रूम भी डिसेंट है, मैं 6 फीट्स का हूँ तो थोड़ा बहुत स्पेस ऊपर बच रहा है। एंड आगे से इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइज अब मैं करूंगा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर, उससे पहले पहनते हैं सीट बेल्ट। सो गाइज एज ये गाड़ी में है 1.2 लीटर्स का इंजन, सो इतना पावरफुल पंच नहीं महसूस हो रहा, लाइक लिटरली एवरेज पंच कह सकते हैं आप। बाकी स्टेयरिंग स्टेबिलिटी कही जाए तो आप देख सकते हैं मैंने छोड़ रखा है, गाड़ी इधर उधर नहीं भागती। एंड लाइक उसके बाद गियर्स पे आती है, ये तो बहुत अच्छा पिकअप आता है इसका। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं लगता है इसमें 60 की, अभी हमने स्पीड इसमें मेंटेन कर रखी है। बाकी ब्रेकिंग की बात की जाए, ब्रेकिंग भी बहुत पावरफुल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको जर्क महसूस नहीं होगा। एंड कमिंग टू द स्टेयरिंग, सो आप स्टेयरिंग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, लिटरली एक हाथ से पूरा स्टेयरिंग बेंड हो जाता है इसका, आप देख सकते हैं। एंड लो एंड टॉर्क, लाइक सेकेंड गियर पे भी गाड़ी बहुत इजीली उठ जाती है पेट्रोल पे। बात करें इसकी एवरेज की, सो अभी MID शो कर रही है 16 की एवरेज, बट सिटी ट्रैफिक में ये समवेयर अराउंड 14 दे देती है एवरेज, हाईवे पे इसका 20 का एवरेज है। सो ओवरऑल ऐसा है परफॉर्मेंस। बाकी आपको इसमें सो लाइक इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बलिनो और आपको लाइक CNG का ऑप्शन भी लेना है बाद में, सो उस केस में आपके लिए बहुत अच्छी गाड़ी होने वाली है, क्योंकि CNG के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस बच जाती है। सो ओवरऑल गाड़ी रिकमेंडेबल है 2023 में अगर कोई लेना चाहे। बाकी सेम फीचर्स, सारे सेम फीचर्स आते हैं इसमें, बस एक चीज मारुति सुजुकी ने ऐड करी है BS6 Phase 2 मॉडल्स में, उसमें अब ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन मिलेगा जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन सिग्मा मॉडल। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमने इस वीडियो में बलिनो सिग्मा मॉडल कवर करा जो कि है बलिनो का बेस मॉडल। अगर आप प्लान कर रहे हैं बलिनो 2023 में, सो ये सिग्मा मॉडल दैट इज अ बेस मॉडल बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बेस मॉडल इटसेल्फ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एंड आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद टैकोमीटर मिल जाता है जो कि मोस्टली मारुति की बेस मॉडल्स में नहीं आता, एंड चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती है, एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प दैट इज़ द मेन थिंग आपको इसमें मिल जाते हैं, तो हेलोजन का सेटअप है बट ये आपको मिलता है बेस मॉडल से ही। कमिंग ओवर द प्राइस, 7.48 ऑन रोड, 7.48 लाख ऑन रोड ये कॉस्ट करती है आपकी दिल्ली में। सो आप एक बार अपने नियरेस्ट शोरूम में जा सकते हैं अपने पता करने अदर स्टेट्स में। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। Thank you so much for watching.